हेलो एंड वेलकम टू द कपना टेटा फैमिली गाइस। तो गाइस आज का वीडियो कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न के ऊपर होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताया था कि हमें इसको यूज़ करके अपना ट्रेड कैसे करनी है। आज मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ, इसका फुल आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊँगा कि इसको यूज़ करके आप अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा पैटर्न है और आराम से आप इससे प्रॉफिट गेन कर सकते हो। मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी आपको देखने को मिलेगा ना, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेगा वहाँ पे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आज कैसे हमें इस पर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो गाइज़ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो जो लोग भी हमारे अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसे ही श्योर शॉर्ट सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जिसका जो भी क्वेश्चन रहता है सभी का रिप्लाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। कोई भी दिक्कत है आपको तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, तो ले चलता हूँ अपने पीसी के स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इस पैटर्न का यूज़ करके आपको ट्रेड कैसे करनी है। तो गाइज़ आ चुके हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे। तो गाइज़ सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने अपने घर में कप तो देखा ही होगा, कॉफ़ी कप हो गया या फिर चाय वाला कप। ठीक है, तो गाइज़ सिंपल सा उसी टाइप का पैटर्न रहेगा ये। तो इस पे क्या होता है, आपको पहले कप का टाइप पैटर्न बनेगा, फिर उसका हैंडल भी बनता है। कभी कभी क्या होता है ओनली कप बस बनता है, उसे कुछ लोग वी टाइप पैटर्न भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको अपने तरीके से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा है कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है, तो इसमें सबसे पहले प्रिकॉशन क्या है, ऊपर SNR लेवल होना चाहिए ऊपर साइड। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो मैंने ऊपर SNR लगाया हुआ है, वैसा यहाँ पे SNR होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग SNR होना चाहिए, वीक SNR नहीं होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर क्या है, सपोर्ट लेके मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर नीचे आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग SNR फाइंड करना होगा। उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको समझना होगा कि ये एक्चुअल में कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं। ठीक है, एक प्रॉपर वे से आपको समझना पड़ेगा, सही तरीके से देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, पहले से आपको नहीं समझ में आने वाला, जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही कप एंड हैंडल कंप्लीट हो जाए तब आपका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट जो लोग नहीं जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब हमारा ये कप पूरा बन जाएगा उसके बाद एक किसी भी डायरेक्शन में, अप भी हो सकती है डाउन भी हो सकती है, किसी एक डायरेक्शन में हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अगर कैंडल्स आपके लिए बनेंगी तो अच्छी खासी कैंडल्स आपके लिए जाएंगी, अगर डाउन के लिए बनेंगी तो डाउन के लिए मार्केट अच्छा खासा आएगा। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ था, मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आया, मैंने एक कन्फर्मेशन कैंडल का भी वेट किया था। तो गाइस ये भी आपको ध्यान देना है, ब्रेकआउट हुआ बट एक कन्फर्मेशन कैंडल, यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको एक कैंडल का वेट करना है, देन ट्रेड प्लेस करनी है। मैंने भी एक कैंडल का यहाँ पे वेट किया था और इसके बाद मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए 5 मिनट्स के लिए ट्रेड प्लेस की। तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कम से कम 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, इससे ऊपर का टाइम आपको नहीं देना है, अदरवाइज आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बहुत अच्छा शॉर्ट श्योर शॉर्ट पैटर्न है, आपको इसको माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है और मार्केट में जब भी आपको दिखे ना, अच्छा खासा यहाँ से आप प्रॉफिट अपना बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो, मुझे मैसेज करो @ कपना ट्रेडर ऑफिशियल। ठीक है, ये मेरा आईडी है, वहाँ पे मैसेज जाके करो कि सर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, इसके लिए हमें और क्या करना होगा। ठीक है, किस तरीके से, जो भी अपने तरीके से आप समझ सकते हो समझ जाओ। ठीक है, अगर नहीं समझ पाते तो मेरे पास मैसेज करो, आपको समझा देंगे। ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे भी आके हम समझा देंगे आपको, अगर फिर भी नहीं समझ में आता मैसेज में। ठीक है, तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स भी आपको वहाँ पे हम देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज्वाइन होके अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ट्रेड का रिजल्ट आने में 25 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। तो गाइस वैसे भी आप देख सकते हो हमारा मार्केट कितना डाउन आ चुका है,
और हम ये ट्रेड क्लियर प्रॉफिट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गाइज इस ट्रेड इस पैटर्न का यूज़ करके आप भी ऐसा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसे ही सही तरीके से देखना होगा, समझना होगा, तब ट्रेड प्लेस करनी होगी हमारी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सिंपल सा वैसा ही करना है आपको। ठीक है, तो गाइज ये देखो गाइज, हमारा ये ट्रेड क्लियर प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।